थीफ डाइड, चोर बेचारा चोरी करके, क्यों बेचारा बोल रहा हूँ टेलिंग यू, क्यों बेचारा क्यों बोल रहा है, इसका कारण भी है। चोर बेचारा चोरी करके भाग रहा था और दीवार उसके ऊपर गिर गया, मर गया। नाउ अब क्या होगा, सब खुश होंगे ना, चोर मर गए, बट इट वॉज द किंगडम ऑफ कुछ नो। अब चोर के घर वाले आए राजा के पास, महाराज बहुत ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है, बहुत नाइंसाफी हुआ है, हमारे भाई मेरे भाई जो अपने पूर्वजों को, हमारा पूर्वजों को जमाने का एक बिजनेस उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं हम लोग, मतलब पूर्वज मेरा चोर थे, दादाजी चोर थे, परदादा चोर थे, हम भी चोरी करते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के सिखाए हुए हमारा धंधा हम कर रहे थे। उसी समय इस महाजन, इस मर्चेंट, इनके दीवार मेरे भैया के ऊपर गिर गए, भैया के मौत हो गया, अब इसको पनिशमेंट दीजिए, इसको फंदे में लटकाइए, इसके कारण, इसके दीवार के कारण मेरे भैया का मौत हो गया है, और हमारा कंपनसेशन दीजिए इसके कारण, इसके फैमिली को। लुक, चोर चोरी करते हुए मर गया, तो तुम सोचो भाई इसके बाद चोर चोरी करने, मारो नहीं उसको, मारोगे तो तुम फंसोगे, समझ रहे हो। सो द किंग वॉज वाइज, यस जस्टिस टू बी गिवन, सबको न्याय दिया जाएगा, जस्टिस टू बी गिवन, एंड ब्रॉट दैट मर्चेंट, बुलाओ उस मर्चेंट को, उठा के लाओ, बांध के लाओ, मारो। व्हेन द मर्चेंट हैज बीन पुट फॉरवर्ड, सो यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, एक इनोसेंट मैन तुम्हारे दीवार गिरने के कारण मर गया है, तो मर्चेंट वॉज, यस सर, हाँ महाराज हमारे कारण मर गया है, बट हमें रहम करिए। नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। बोल बस सर किंग, हे प्रभु, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये दीवार से गिर के इसका मौत हुआ है भाई का, मुझे पता है, इसमें मुझे दुख है, बट आई हैव नॉट मेड दैट ब्रेड वॉल, वो दीवार तो मैंने नहीं बनाया, आई हैव नॉट प्रिपेयर दैट वॉल। सो किंग सर, हु प्रिपेयर, आई नो द ब्रिक लेयर, एक ब्रिक लेयर जो ईट दीवार बनाया था, हम उसको जानते हो, बहुत बुढ़ा हो गया, मेरे पापा के ज़माने में बनाते थे, ही हैज़ मेड इट रॉन्ग, हमारा क्या गलती है प्रभु बताइए, मैंने तो नहीं बनाया, वो जिसने बनाया उसका गलती है। किंग टू, यस इट्स योर पॉइंट, जस्टिस टू बी गिवन, चलो बुलाओ उस ब्रिक लेयर को, बुलाओ उस राजमिस्त्री को, एंड बुढ़ा को उठा के लेके आया। मैंने क्या किया भैया, चलिए राजा ने बुलाया बेटे को, पकड़ के उठा के लेके आया राजा के सामने, यू ब्रिक लेयर, डू यू नो व्हाट यू हैव डन, किंग टोल्ड, किंग बता रहे, ओनली फॉर यू, तुम्हारे कारण एक इनोसेंट इंसान का मौत हो गया, इस तरीके से तुम दीवार बनाते हो। सो जस्टिस टू बी गिवन टू दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हें हम फंदे में लटकाएंगे, बताओ तुमने इस तरीके से क्यों दीवार बनाया। सो ब्रिक लेयर टोल्ड, सर सर इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरा गलती नहीं है, मुझे याद है, येस आई हैव मेड द वॉल, इट वॉज नॉट अ गुड वॉल, इट हैज़ फॉलन ऑन द मैन, बट इसमें मेरा गलती नहीं है। व्हेन आई वॉज मेकिंग दिस ब्रिक वॉल, जब मैं दीवार बना रहा था, अ ब्यूटिफुल यंग गर्ल वॉज गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बार बार रास्ते से अपने एंकलेट्स पायल पहनते हुए जिंगलिंग साउंड करते जा रही थी, आ रही थी, उसको देख के मेरा मन थोड़ा बौखला गया, मैं दीवार बनाने से ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देने लगे, तो इसी कारण दीवार अच्छा नहीं। इसमें मेरा क्या गलती बताइए, द यंग गर्ल हु हैज़ बिकम नाउ ओल्ड, आई नो हर, वो अभी वो यंग ब्यूटीफुल लड़की अभी बुढ़ी बन गई है, बात सही बोले हो, तुम्हें काम में डिस्टर्ब, राजा बोल रहा है, यस इट्स राइट दैट द यंग गर्ल हैज़ डिस्टर्ब यू, दैट्स वाई यू हैव मेड द वॉल नॉट प्रॉपरली, सो ब्रॉट दैट यंग गर्ल, चलो उस छोटे लड़की को बुलाओ। नाउ द यंग गर्ल हु बिकेम नाउ एन एजेड वुमेन, सी केम, सी वॉज टेलिंग माई लॉर्ड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो भी अपना स्टोरी सुना रही है कि मैं इस पर जिम्मेदार नहीं हूँ, येस आई नो कि आई वॉज गोइंग अप एंड डाउन थ्रू दैट रोड फॉर नियर अबाउट 12 टाइम्स, दैट्स वाई द ब्रिक लेयर कुड नॉट मेक प्रॉपर वॉल, बट इसमें मैं, मेरा गलती नहीं है प्रभु, वट तुम्हारे गलती नहीं है, हाँ प्रभु, बिकॉज मैंने एक ज्वेलरी बनाने वाले एक सोनार को, उनको मैंने अपने ज्वेलरी बनाने के लिए दिए थे, उसने मुझे बार बार फंसा रहे थे, बार बार बोले 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, मैं दिन भर कम से कम 12 बार उसके बाहर गया, वो मुझे बना के नहीं दे रहे थे, उसके कारण मैं जा रही थी आ रही थी, इट्स नॉट माई फॉल्ट बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड वर्कर, है किंग टोल्ड, यस नाउ इट्स गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द जस्टिस, देखिए जस्टिस कैसे डेप्थ में जा रहा है, सो द गर्ल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कौन है वो सुनार, बुला उसे, नाउ आई नो दैट गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ कहते हैं, आई नो दैट गोल्ड स्मिथ, सो उस गोल्ड स्मिथ को भी उठा के लेके आया गया,
बेचारा बुढ़ा चश्मा पहने दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु आई हैव नॉट डन एनीथिंग, बताओ क्या हुआ है तुम्हारा। सो ही टोल्ड, मैंने नहीं, एक्चुअली प्रभु आपको पता है एक बहुत बड़ा मर्चेंट का शादी का कुछ काम मैं कर रहा था उस समय, द मर्चेंट वॉज वेरी मच एंग्री ऑन मी, ही टोल्ड नो टूडे ओनली, तुम्हें जल्दी करके देना, आपको पता है अमीर लोग कितने 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 ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो उसको बनाने के चक्कर में मुझे उसी में ध्यान देना पड़ा, इसके मैं ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था, दैट्स वाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो मर्चेंट रिस्पॉन्सिबल है। द किंग टोल्ड यस नाउ कम टू द लास्ट, नाउ व्हेन द किंग सर्च फॉर द मर्चेंट इट इज फाउंड दैट द पर्सन हुज वॉल फॉलन ऑन द थीफ, उसी के पापा थे वो रिच मर्चेंट। मतलब नाउ द किंग रियलाइज, देखियो द जस्टिस नाउ इट्स ऑन इट्स चैरियट, स्टिक घूम घूम के सही जगह पे आ गया, देखो किंग बिकेम वेरी मच प्राउड, देखियो मेरे जस्टिस को, मैंने पहले ही सोचा था तुम ही कल्प्रिट हो, तुम्हारा चेहरा देख के मुझे पता लग रहा था कि तुम नहीं ये क्राइम करिए हो, तुम्हारा चेहरा देख के ही, अब बताओ। सी टोल्ड, सर मैंने तो नहीं बनाया था, मेरे पापा ने बनाए थे, तो मेरा क्या गलती है। किंग टोल्ड, तुम्हारे पापा बनाए थे, चलो मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, सारे मिनिस्टर तो और बेवकूफ़ है, तो डिसाइडेड कि तुम्हारे पापा बनाए थे बात सही है, लेकिन पनिशमेंट तो किसी को मिलना चाहिए, तुमने तुम्हारे पापा का प्रॉपर्टी एंजॉय कर, उसके पैसा, उसका घर, उसके बिजनेस तुम ले रहे हो, तो उनका क्राइम क्यों नहीं लोगे। सो यू हैव टू बी हैंग, चलो इसी को फंदे में लटकाएंगे, और इसके लिए एक नया फंदे के स्टैक बनाओ जिसमें इसको लटकाया जाएगा। द मर्चेंट बिकेम सरप्राइज्ड, और किंग के जितने भी लोग थे वो लोग नया स्टैक बनाने लगे, दे स्टार्टेड मेकिंग न्यू स्टैक। देन इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग रेस्ट ऑफ द पार्ट।